अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बड़े मजेदार से बीफ के पारचे, जिसे पसंदे भी कहा जाता है, लेकिन अम्मी पारचे कहती हैं, इसलिए हम इसे पारचे कह रहे हैं। बहुत झटपट बनाएंगे, बहुत मजेदार से बनाएंगे और इतना आसान, इतने लजीज बनेंगे कि आपके फैमिली वाले हर बार कहेंगे कि बस यही पारचे बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है बीफ के 1 किलो के करीब पारचे, और हमने बुचर से कहा था कि इसे वो थोड़ा सा इस तरीके से मार दें हाथ, तो लेकिन उन्होंने मारा है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं। तो खैर, हम आपको बताएंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। इसे बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद देखिए हम इस तरीके से लेंगे एक एक पीसेस को। वैसे तो हमारे पास इसका हैमर भी है, लेकिन हर किसी के पास हैमर नहीं होता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जो ये होता है खलबत्ता, उसका आप ये ले लें और उससे इसको आप इस तरीके से कुचल लें। पहले ज़माने में सिल बट्टा होता था, तो अम्मी बट्टे से इस तरीके से कुटवाया करती थी। एकदम पतला करना है आपको इसको, आप चाहें तो कुछ भी एक लकड़ी का पीस वगैरह नीचे रख लें। देखिए आपको इस तरीके से करना है, कितना बड़ा हो गया और कितना पतला हुआ है ये। तो बस इसी तरीके से हम सारे पीसेस जो हैं उसको कर लेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि कितना आसान सा लेकिन बड़ा मज़ेदार सा ये बनता है, झटपट तैयार हो जाएगा। ये सब बड़ी आइडियल रेसिपीज़ हैं रमज़ान के लिए, आप ज़्यादा मेदार में बना लें। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं मसाला लगाने के बाद, और डायरेक्ट इसे तल भी सकते हैं, लेकिन आज हम ये जो पारचे बना रहे हैं ये भुना भुना सा मसालेदार बना रहे हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से इसे पतला कर लेना है, देखिए कितना बड़ा कितना पतला हो गया। ठीक है, तो सारे कर लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे जो पारचे थे उन्हें अच्छे से कुचल लिया है, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं और बिल्कुल भी पतले पतले से हो गए हैं। जो कसाब होता है वो इतने अच्छे से करके नहीं देता है, वो सिर्फ अपनी जो छुरा होता है उसको मार देता है थोड़ा सा, तो वो जायका वो मज़ा नहीं आता है। आप इसे बहुत अच्छे से पतला पतला सा करिए, आप देख सकते हैं एकदम पतला पतला सा हुआ है, और आप इस तरीके से पतला पतला सा करेंगे ना इसे, तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग पपीता लगा के रखते हैं घंटों घंटों तक, या बहुत से लोग जो टेंडराइज़र होता है वो लगाते हैं। हमने कभी ऐसा किया नहीं है, टेंडराइज़र वगैरह हमने कभी लगाया नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं झटपट बनाते हैं, एक ही एम होता है कि जल्दी बन जाए, जायकेदार बने। तो वही तरीके हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से कुचल लीजिएगा बिल्कुल पतला पतला सा। तो इन सबको इसमें डाल देते हैं, और बस अब इसमें लगाएंगे हम मसाले। तो चलिए आपको बताते हैं मसाले क्या डालने वाले हैं। सबसे पहले इसमें चला जाएगा नमक, नमक पारचों के मुताबिक डालिएगा। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, चटपटा बनाना है तो उस हिसाब से डालिए, हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के करीब, 1.5 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। धनिया पाउडर घर का पिसा हुआ है, इसे बहुत प्यारी खुशबू है। गरम मसाला डाल रहे हैं भर के 1 टीस्पून, गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। चिली फ्लेक डाल रहे हैं 1 टीस्पून, चाट मसाला डाल रहे हैं 1 टीस्पून। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चली जाएंगी, जो कि कुछ यूं हैं। सबसे पहले इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब, गाढ़ा है बिल्कुल, घर का पिसा हुआ है इसलिए बहुत खुशबूदार है। इसमें चली जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें चला जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है। इसमें डाल रहे हैं 1 नींबू, और ये जो हमारी नई नई छोटी छोटी सी बेटियां हैं जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं या बैचलर्स हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसी डिश है कि आप जब इसे बनाएंगे तो पूरे फैमिली वाले तारीफ़ करेंगे, और आप एक ही डिश बना के उनके दिल पे छा जाएंगे, और सामने वाला इंसान ये सोचेगा कि बहुत मेहनत लगी है, लेकिन है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो चलिए अब इसमें डाल रहे हैं हम दही, दही इसमें ज़्यादा जाता है, तो हम यहाँ पर समझिए 1/2 कप के बराबर हमने दही डाल दिया, और एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा दही है ये। और इसमें अब हम डाल रहे हैं देखिए बेकिंग सोडा,
इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा, और कोई चीज हम इसमें नहीं डालेंगे गलाने के लिए, बस यही काफी है। अब इन्हें खूब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको हाथ का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि जितने अच्छे से ये मिक्स होगा आपके पार्से उतने लजीज बनेंगे और उतने मुलायम बनेंगे। तो आपको इसे खूब अच्छे से मिलाना है, चमचे से मिलाएंगे तो उतने अच्छे से ये जो पार्से हैं इनकी मालिश और पिटाई नहीं होती। आपको अच्छे से इस तरीके से पीट पीट के उन्हें मलना है ताकि अंदर पूरा चला जाए। तो खूब अच्छे से हमने इसे मिला दिया। अब आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आप रात में बना रहे हैं तो सुबह मसाला लगा दीजिएगा, और अगर सुबह बना रहे हैं तो एक दिन पहले रात में लगा दीजिएगा, और अगर आपने नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, झटपट भी ये कुकर में बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 4-5 घंटों के बाद। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 3 घंटे हो गए हैं इसे अच्छे से मैरिनेट होते हुए। इससे ज़्यादा वक्त हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं, तो हमने बस 3 घंटे इसे मैरिनेट किया। और आप देख सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे 4 घंटे 5 घंटे या ओवरनाइट मैरिनेट कर लीजिएगा अगर वक्त है तो। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है, कुकर को यहाँ पे हमने रख दिया है, और अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल 1/2 कप के बराबर डाल रहे हैं, 1 किलो पार्चे हैं तो 1/2 कप जो है इसमें ऑयल डलेगा। और कुछ मसाले इसमें डाल रहे हैं हम, जैसे कि तेज पत्ता है यहाँ, कुछ लौंग है 4-5, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 4-5 इलायची हैं। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि मुंह में आते हैं तो ख़राब लगते हैं, लेकिन थोड़े से डालेंगे ताकि जायका आ जाए। बाकी सारे मसाले तो पार्चे में ऑलरेडी डले हैं। चलिए अब इसमें हमें गर्म होने के बाद डाल देना है प्याज। तो देखिए अच्छे से हमारा जो गर्म मसाले और चटक रहा है। अब हमने यहाँ पर लिया था 2 मीडियम साइज की प्याज, इसे हमने बारीक सा कट कर लिया और वो इसमें डाली। आपको यहाँ पर प्याज को अच्छा गुलाबी कलर कर लेना है, डार्क ब्राउन मत करिएगा, आपको सिर्फ गुलाबी करना है ताकि प्याज से खुशबू आ जाए। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, लोग ऐसा समझेंगे कि बहुत आपने मेहनत की है इस रेसिपी को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो प्याज है वो लाल हो गई है, अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। बस इसमें अब बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे हम सारे पार्चे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से आपको भून लेना है इसे, हाई फ्लेम पे पकाइएगा, खूब अच्छे से भून लीजिए इसे। कुछ 4-5 पार्चे हमने निकाल लिया है अपने हस्बैंड के लिए, हम इसे फ्राई पैन पे बस इसी तरीके से फ्राई करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, क्योंकि उनको इस तरीके से कच्चा कच्चा पसंद आता है। तो देखिए कुछ निकाल लिया हमने, तो जब तक देखिए अब दही भी था इसमें तो सब जूसेस यहाँ पे रिलीज हुए हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऊपर से फिर से डाल देंगे, वो जो मसाला था वो मैरिनेशन के लिए डाला था, अब थोड़ा और डाल देंगे। इसमें हम अभी डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा चटपटा करने के लिए रेड चिली, थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा धनिया 1 टीस्पून। जैसे ही पानी सूखेगा इसका अच्छा इसे भून लेना है, जब पानी सूख जाएगा उसके बाद हम इसे कुकर लगाएंगे। अगर आपने इसे रात भर मैरिनेट किया है तो आपको इसमें कुकर में गलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमने सिर्फ 3 घंटे ही रखा इसलिए हम इसे कुकर में कर रहे हैं। तो देखिए इसको अच्छे से भून गया है, कितना आसान था बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन वाली खुशबू आ रही है। जैसा कि आपको बताया बहुत कम वक्त के लिए इसे मैरिनेट किया है, और ये बड़े का है इसलिए हमें इसे थोड़ा सा पानी डाल के गलाना होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, और डाल रहे हैं हम इसमें हरा धनिया। एक बार मिला देंगे, अब इसमें इतना ही पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा पतला ना हो, बहुत कम सा पानी डालेंगे,
क्योंकि हमें इसे गलने के लिए रखना है, तो हमने यहाँ पर एक कप के बराबर पानी डाल दिया। अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इसे एकदम मीडियम आंच पे पकने देंगे 4-5 सीटी। तो चलिए 4-5 सीटी के बाद मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो प्रेशर है खत्म हो गया है, और क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ था इसीलिए बहुत जल्दी गल गए। हमने सिर्फ एक ही सीटी दिया है, तो जब आप बेकिंग सोडा डालें तो आप बहुत कम वक्त लिए बनाइएगा। देखिए आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। तो आप चाहें तो कुकर लगाएं, और नहीं तो आप बिना कुकर भी बना सकते हैं अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा लजीज बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही उम्दा वाली खुशबू आ रही है इसमें। ज़रूर बनाइएगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा अगर आपने बेकिंग सोडा डाला है तो आप इसे कुकर मत लगाइए, और अगर कुकर लगा रहे हैं तो सिर्फ एक ही सीटी दीजिएगा। एक सीटी के बाद अगर पानी है तो सुखाइएगा, अगर पानी नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट था पानी यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। पारचे इसी तरीके से भुने भुने से ही होते हैं। आप इसे लच्छे पराठे से खाइए या गरम गरम चपाती से खाइए, बहुत लजीज लगता है और बहुत आसान तरीके से ये बनके तैयार हो गया है। तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों ये पारचे, बहुत आसान है ये बनाना लेकिन बे इंतहा लजीज, कुछ हट के ही इसका टेस्ट होता है, जायका होता है। तो दोस्तों ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं मज़ेदार सी जायकेदार सी रेसिपी के साथ, जो ज़्यादा वक्त ना ले आपका और आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़े रहना ना पड़े और फैमिली वाले हर कोई उंगलियाँ चाटते रह जाएँ ये कह के कि मेरी बेगम तो लाजवाब खाना बनाती है या मेरी बेटी तो लाजवाब खाना बनाती है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, खुदा हाफिज़।